वेलकम फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉनसून में ही आप वाटर प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप कोई भी प्लांट जब लेके आते हैं, इसकी कटिंग लेके आते हैं, तो उसको पानी में डाल के इस तरह से ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ में रखें और देखें। फिर चाहिए आपको पेशेंस, पेशेंस इतनी कि आप हर 3-4 दिन के बाद पानी चेंज करें इसका और निकाल के देखें रूट निकल रही है कि नहीं। फिर उसमें छोटी छोटी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और कुछ में तो एक महीने तक भी रूट्स नहीं आती। और इसका नीचे का पोर्शन आप चेक करें, ये जो काई जैसी जम जाती है उसको थोड़ा खुरचें और डेड पार्ट इसका निकालते रहे। ये देखिए, ये 1 मंथ का मैं दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत इसमें ये स्वीट पोटैटो वाइन की नियॉन वाली कटिंग थी, कितनी खूबसूरती से ये चल गई है। और ये इसमें मैंने ये देखिए, ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये देखिए इसमें भी कितने खूबसूरत नीचे दिख रहे हैं वाइट कलर की ये रूट्स हैं। ये देखिए, बस ये है कि जो पार्ट इसका नीचे पानी में डिप हो जाता है वो इसमें रॉट हो जाता है, उसको आप निकालते रहे। ये भी एक और, इसमें भी देखिए कितनी खूबसूरत रूट्स निकली हुई हैं। पहले आप एक एक पार्ट इसमें डालते रहें और ये एक और पोर्शन है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी महीने से मैंने ये, तकरीबन 6 मंथ ही हो गए हैं, ये मैंने स्वीट पोटैटो वाइन को इस तरह से एक पीस को मैंने पानी में डाल दिया था। इसके बीच में इस तरह से लंबे 2 टहनी डेड वुड इसमें लगा के पानी में डाला था और मैं तकरीबन इसको हफ्ते में इसका पानी चेंज करता हूँ। ये देखिए रूट्स, तो ये 6 महीने से इसी तरह है इसकी, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आप ड्राइंग रूम में अपने इसको रख सकते हैं, ऐसे कितना खूबसूरत लगता है ये। बस पानी चेंज करते रहे, पानी में कुछ इसके कीड़े वगैरह ना पैदा हो जाए और हर आप कटिंग को इस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक।